What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 2 जनवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, 14 ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। काफ़ी साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है इस वीक, क्योंकि अभी भी दुनिया भर में न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही है, तो जो पार्टिसिपेशन होता है सबका, FII, DII और HNI क्लाइंट्स का, हर एक ट्रेडर का, वो पार्टिसिपेशन इस फेज में, इस दिनों के फेज में काफ़ी कम होता है। तो एक स्लगिश, एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है ट्रेडिंग करते वक्त। तो कल निफ्टी में हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग निफ्टी में कल क्या हुआ उसका एक क्विकली रिव्यू करेंगे, उसके बाद आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये 1 जनवरी कल का पिक्चर है, आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारा कल का भी यहाँ पर प्लान बन रहा था, निफ्टी इंडेक्स हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर फर्स्ट टारगेट के पास ही ओपन हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता शुरू में, और उसके बाद ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और ऊपर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन ब्रेकआउट लेवल के पास इसने दो बार, तीन बार, काफ़ी बार इसने ये इसको ब्रेक करने की कोशिश की, हालांकि कंफर्टेबली ये ब्रेक नहीं हो पाया। इस लेवल को ये कंटिन्यूज पेनेट्रेट कर रहा था, तो कल के पूरे दिन एज पर हमारा ये जो प्लान था, प्री प्लान, तो इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार नासडैक, वहाँ पर छुट्टियाँ चल रही थी, यूएस में अभी भी न्यू ईयर की छुट्टियाँ है, यूरोप मार्केट्स भी कल बंद थे, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज मार्केट आज भी बंद है, हांगकांग और चाइना मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल एशियाई बाजार यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दे रहे, हालांकि अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में कल छुट्टी थी तो उनका जो सिनारियो है वो अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है न्यू ईयर में कैसा है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, उससे पहले वीकली और डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके रखा है। तो लास्ट वीक यहाँ पर दोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना था यहाँ पर, तो इसका हाई और लो अभी 3 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, अभी तक इसने ये ब्रेक नहीं किया। आपको दिखता रहेगा निफ्टी इंडेक्स में एक साइडवेज पैटर्न चल रहा है, काफ़ी वोलेटाइल मूव देखने को मिल रहा है। तो ऊपर में अभी 12,240 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है इस वीक भी, तो चांसेस होंगे कि निफ्टी इंडेक्स हमें ऊपर के लेवल्स 12,350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर नीचे आता है तो 12,080 के पास फर्स्ट सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो निफ्टी में यहाँ पर और भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है एज पर वीकली चार्ट। यह वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी देखें तो कल जो ये पैटर्न बना था इनसाइड बार ट्रेडिंग था, जो ये ट्यूसडे का बियरिश कैंडलस्टिक बना था इसी के बीच में अभी तक ये ट्रेड हो रहा था। तो कल इनसाइड बार ट्रेडिंग था, काफ़ी स्लगिश मूव था निफ्टी इंडेक्स में। तो ये लो और ये हाई अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का हमारे लिए क्राउंड काम कर सकते हैं। नीचे अगर जाता है तो एज पर डेली चार्ट फर्स्ट सपोर्ट तो ये 20 EMA का होगा, जो कि ये पिंक लाइन है अराउंड 12,130 के पास। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है 12,130 to 12,080, तो ये सपोर्ट जोन हो सकता है निफ्टी के लिए। यहाँ से ये स्ट्रांग सपोर्ट लेके फिर एक बार बाउंस बैक दिखा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो निफ्टी यहाँ से और भी हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता यहाँ से दिखाई दे सकता है, क्योंकि सपोर्टिंग इंडिकेटर को देखे RSI को, तो यहाँ ऊपर ये यहाँ पे हायर आइज क्रिएट हो रहे थे या, लेकिन RSI यहाँ पर लोअर आइज क्रिएट कर रहा था। प्राइस एक्शन में ये जो हाइज बन रहे थे वो सिमिलर थे, लेकिन आप RSI को देख सकते हैं यहाँ पे फिर से लोअर हाइज बन रहे थे। तो RSI हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो
काफी कम गिर रहा है कंपेयर टू बेयर्स। तो यहाँ पर अगर ये 20 एएमए को ब्रेक करता है टुवर्ड साउथ की तरफ, तो यहाँ से और भी प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को पहले तो अभी इसका ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही हम कह सकते हैं कि बुल्स में स्ट्रेंथ है काफी। हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ से बुल रैली, जो प्री बजट एक रैली अगर यहाँ से देखना है, तो इस लेवल के ऊपर इसी को सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आज क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कल का अगर ये आप ट्रेडिंग एरिया देखें तो एक फ्लैट पैटर्न था, एक स्लगिश मूव था। अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके बीच में ये फंसा हुआ है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स काफी नजदीक बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये क्लियर कल का हाई अगर ब्रेक करता है, यानी 12,222 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन क्लियरली, मतलब नो डाउट यहाँ पर एक ट्रेंड बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन, स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल। ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,235, ये क्विकली हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R2 का लेवल, जो कि 12,246 है। तो ये हमारा बुलिश स्ट्रेटजी है अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, यानी 12,157 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है 10 या 15 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसे लिख देते हैं ब्रेकडाउन लेवल, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 12,141, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 12,131, जो कि अराउंड S2 के लेवल के पास है, तो 133 कर देते हैं। ये क्विकली हमारा सेकेंड टारगेट होगा आज के लिए अगर यहाँ से निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो। 12,157 को ब्रेक करना होगा तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो आज वीकली एक्सपायरी है तो काफ़ी रिस्क होगा, तो नए जो ट्रेडर्स है तो थोड़ा आज अवॉइड करें ट्रेड करना। बाकी ये जो लेवल्स है इसको अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये था आज के लिए निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।